हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक विद हेजियार में। आज मैं मटर और आलू का बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के दिखाऊंगी। इसके लिए देखिए, मैंने एक कटोरी मटर लिया है और यहाँ मैंने तीन आलू लिया है। छोटे साइज का आलू है, इसे मैंने छील के इस साइज में काट लिया है, इस तरह से ये बड़े बड़े साइज में। यहाँ देखिए, मैंने गैस पे कुकर रख दिया है, इसमें मैं एक गिलास पानी डालूंगी। और यहाँ जो मैंने आलू लिया था अच्छे से साफ करके धुल लिया है, ऐसे ही मैं मटर डाल दूंगी कुकर में। इस तरह से मैं बैठा दूंगी इसको और सीटी लगाकर चार सीटी आने तक पकाऊंगी। यह देखिए, मैंने एक कटोरा चूड़ा लिया है, इसे पोहा भी बोला जाता है। इसे पानी से अच्छे से धुल लूंगी। पोहे को देखिए, मैंने दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे रख दूंगी ताकि हमारे पोहे अच्छे से फूल जाए। देखिए, हमारा बॉयल हो गया आलू और मटर, मैंने कुकर में से निकाल लिया है। आलू भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मटर भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया। इसे मैं छान लूंगी, जो भी इसमें जरा सा पानी चला गया है, क्योंकि इस पानी को अच्छे से छान कर बाहर कर दूंगी। देखिए, मैंने पानी सब छान लिया गिलास की सहायता से, मैसर की सहायता से। आप इसे इस तरह से मैश कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है। इस तरह से उबालने से ये रहता है कि आसानी से मटर और आलू दोनों कुकर में से अलग हो जाते हैं, नहीं तो पानी में छान छान के निकालना पड़ता है, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने अच्छे से गिलास की सहायता से इसे मैश कर लिया है। हाँ देखिए, पोहे हमारे अच्छे से फूल गए हैं, इसे हाथों से जरा सा मैश कर लूंगी। यहाँ देखिए, मैंने पोहे को मैश कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से इसको मैश नहीं करना है, इसमें इसको मिक्स कर दूंगी। पोहे को डालने से बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। देखिए, यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, इसे मेन मैंने काट लिया है। यहाँ तीन हरी मिर्च ली है, आप अपने अनुसार स्वाद के अनुसार कम बेसी कर सकती है मिर्च को। यहाँ मैंने अदरक लिया था एक टुकड़ा, उसे अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है कद्दूकस में। ये कश्मीरी मिर्च है, चाट मसाला और ये नमक, अच्छे से इन सबको मिक्स करूंगी। जरा सा हरा धनिया डाला है, इसे भी अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। इस तरह से देखिए, सबका बाइंडिंग अच्छे से मैंने कर लिया है। इस तरह से मैं छोटा छोटा इसका प्याड़ा ले लूंगी, टिक्की की तरह बना लूंगी। यहाँ देखिए, मैंने सारे टिक्कियों को इस तरह से बना के तैयार कर लिया है, इसे सेल्फ फ्राई करूंगी। इस तरह से मैं सेलो फ्राई कर लूंगी। देखिए, यहाँ फ्राई हो गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से मैं लौट के टिक्की को अच्छे से सेक लूंगी। अच्छे से सीख गया, मैं इसे निकाल लूंगी। तैयार हमारी गर्मा गर्म हरी मटर की और चूड़े की देखिए ये टिक्कियाँ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।